बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ करते हैं जी वीडियो का आगाज़। और आज हम आपके लिए दोबारा से यूज मोबाइल लेके आए हैं, और तकरीबन काफ़ी दिनों के बाद आए हैं यार। वीडियो बनाने का जो चांस है वो नहीं मिलता, अब वीडियो नहीं बना पा रहे, तो इसलिए जितने भी मेरे बहन भाई दोस्त हैं, जितने भी हैं, मैं सबसे माजरत खाऊँ कि यार मैं वीडियो टाइम पे नहीं लेके आता, डेली की कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि अपना जो चैनल है मैं वो फॉर सेल कर दूं। फिर मैंने दोस्तों को कहा हुआ भी है कि मैंने ये चैनल सेल करना है, तो देखते हैं कि चैनल सेल होता है या फिर काम करते हैं। तो आज हाजिर है एक नई दोबारा यूज मोबाइल की वीडियो के साथ। हमारे पास सबसे फर्स्ट मोबाइल जो पड़ा हुआ है भाई, वो है वीवो का Y21 है। ये इसकी जो एडवाइस है वो बता दूं आपको, 40,000 पे पहुंच गई थी, अब दोबारा ये डाउन हो गई है, 36,000 35,000 की एडवाइस पे आ गया है। तो डब्बा पैक जो मार्केट में है वो अब मेरे ख्याल में 32,000 के अराउंड या 31,000 के अराउंड सेल हो रहा है। इसके बाद हमारे पास दूसरी डिवाइस है वीवो का Y30S है, ठीक है। तो Y30S के साथ भी सीन काफी गंभीर हुआ था, मगर अब दोबारा ये अपनी जो रूटीन है उसे थोड़ा सा ऊंचा है, मार्केट में इस वक्त मौजूद है और यूज भी सेल हो रहा है और डब्बा पैक भी सेल हो रहा है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है ओल्ड इज गोल्ड है, वीवो का S1 Pro है। और इसके बाद हमारे पास मौजूद है जी ओप्पो का F19 है, ठीक है, F19 है। इसके बाद ओप्पो का ये एक और मॉडल है, ओप्पो A54 पड़ा हुआ है हमारे पास। इसके बाद वीवो का Y21 पड़ा हुआ है, बल्कि वीवो का Y20 पड़ा हुआ है, ये डब्बा पैक बंद हो गया है। उसके बाद हमारे पास वीवो का Y12S पड़ा हुआ है। इसके बाद हमारे पास इन्फिनिक्स का H10 Play मौजूद है, और कॉमन 18T टेक्नो का, ठीक है, कॉमन 18T है, टी है कि पी है, टी है, खैर है, अच्छा। और इसके बाद हमारे पास मौजूद है जी इन्फिनिक्स का Smart 6 है, 232 वाला। और इसके बाद हमारे पास मौजूद है पबजी किलर Note 11 Pro। इन्फिनिक्स का कहना है कि ये जो मोबाइल है इसका प्रोसेसर काफी तगड़ा है, हीलियो G96, तो इसकी भी काफी अच्छी मार्केट वैल्यू है। और उसके बाद हमारे पास मौजूद है आईटेल का Vision 1 1 Plus है या 1 Pro है, 1 Pro है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास स्टैंड मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ है मोबाइल फोन, और इसके साथ में वीडियो हाथ के साथ वीडियो बना रहा हूं। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ, ज्यादा बोर नहीं करते आपको इनकी, हम स्टार्ट करते हैं वीवो के Y20 से। Y20 की मार्केट वैल्यू आजकल आपको पता है कि बिल्कुल साफ पीस मार्केट में नहीं नजर आ रहा बिल्कुल भी, और जो भी होता है वो तकरीबन सैड से काफी रफ होता है, मगर हमारे पास एक काफी साफ पीस पड़ा हुआ है जो आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपए का। अगर रेट आपको अच्छे लगे तो मुझे बताइएगा कि भाई आपके जो मोबाइल के रेट हैं वो काफी अच्छे हैं। इसके बाद हमारे पास मौजूद है ओप्पो का A54 मौजूद है, A54 4GB 128GB वाला वेरिएंट है। इसकी आजकल एनवाइस है वो तकरीबन 40-42 की हो रही है, ये आपको दे दूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ 29,500 रुपए का, ठीक है, बिल्कुल जायज रेट है, इतना ज्यादा महंगा नहीं है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है जी ओप्पो का F19 पड़ा हुआ है, F19 आपको मिल जाएगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। फिंगरप्रिंट जो इसका है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, ठीक है, और ये 6/128 वाला वेरिएंट है, 6+2 है, ये दिखा देता हूँ आपको ताकि मेरे जो बहन भाई हैं वो देख लें, ताकि बाद में इनको थोड़ी सी दिक्कत ना हो। ये चेक करें, रेम 6.6+2 यानी कि 8GB है, और एंड्रॉइड वर्जन इसका 12 हो चुका है यानी कि 12 हो चुका है। तो ये दोस्तों को दे दूंगा 36,500 रुपए का। उसके बाद बढ़ते हैं जी आगे, हमारे पास मौजूद है वीवो का S1 Pro है, S1 Pro के इसका भी सेम सीन है, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो डिस्प्ले के अंदर है, और ये 8/128 वाला है। तो इसका जो अबाउट फोन है वो दिखा देता हूँ आपको, एंड्रॉइड वर्जन 12 है और 8/128 वाला वेरिएंट है, ठीक है, ये मैं दोस्तों को दे दूंगा सिर्फ और सिर्फ 31,500 रुपए का मिल जाएगा। इसके साथ डब्बा चार्जर मिल जाएगा, इसकी वारंटी नहीं है, इसकी वारंटी खत्म हो चुकी है, और इसकी वारंटी पड़ी हुई है तकरीबन 6 से 7 माह शायद है, या 8 माह इसकी वारंटी पड़ी हुई है F19 की, इसकी वारंटी नहीं है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है वीवो का सीन है कि ये खुला हुआ सेट है, ठीक है, ये सेट खुला हुआ है, और उसके बाद दोस्तों इसका सॉफ्टवेयर का मसला था, इसके जो आइकन हैं वो हो रहे हैं बड़े, ये मैं दोस्तों को दे दूंगा, ठीक है, ये मिट्टी है सोना है जो कुछ भी है, ये ऑन होता है मगर इस वक्त शायद बैटरी लो है इसकी, बैटरी चार्ज नहीं की। तो ये सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपए का 8GB 128GB Y33S, ठीक है, ऑन करके दूंगा,
जो इसके आइकन है वो इसके बड़े हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर होने वाला है। कंपनी भेजा था मगर कंपनी से इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सेट नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास मौजूद है वीवो का Y21 है। Y21 की तकरीबन जो वारंटी पड़ी हुई है ये है 10 से 11 माह। ये मैं दोस्तों को दे दूंगा 28,500 का, और ये इसकी जो रेट हो रहा है इस वक्त वो हो रहा है जी 31 से 32 हज़ार रुपये। और इसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगली डिवाइस मौजूद है वो है Y12S। Y12S 5000 mAh बैटरी के साथ 3/32 है, ये दोस्तों को दे दूंगा 18,500 रुपये का। और इसके बाद इन्फिनिक्स का Hot 10 Play है। Hot 10 Play आपको दिखा देते हैं जी, 6000 mAh बैटरी होती है इसकी, और ये चेक करें 4/64 वाला होता है। ये नॉर्मल यूज के लिए अगर आपने लेना है, कुछ छोटी मोटी गेम खेलनी है तो उसके लिए बेटर है। ये आपको मिल जाएगा 4/64 में 17,500 रुपये का। इसके बाद अपने पास मौजूद है जी कॉमन 18T मौजूद है जी, 4/128 वाला 48 MP कैमरा है इसका, फ्रंट भी 48 बैक भी 48। ये मैं दोस्तों को दे दूंगा सिर्फ और सिर्फ 25,500 रुपये का। जिस दोस्त ने लेना हो वो मुझसे राबता कर ले, मेरा नंबर है 0302-73-68-060। स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है टेक्निकल दमाद सस्सी के नाम से, वो भी यहाँ शो हो रही होगी, आप वहां मुझसे राबता कर लें या उस पर राबता कर लें। इसके बाद अपने पास मौजूद है जी इन्फिनिक्स का Smart 6 है, 2/32 वाला वेरियंट है, ये मिल जाएगा दोस्तों को सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपये का। हालांकि डब्बा पैक आप मार्केट से भाई मेरे पता करेंगे तो इसकी जो रेट है इसकी एनवाइस रेट 22,000 और ये मिल रहा है 20,900 रुपये का, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे कोई चीज का कहने से पहले या पूछने से पहले आप वीडियो की जो डेट है वो चेक कर लिया करें, 4 से 5 दिन या 6 दिन हमारे पास ये जो चीजें हैं ये मौजूद रहती हैं, एक हफ्ते तक शायद रह सकती हैं, पहले सेल भी हो सकती हैं। और उसके बाद वीडियो से हटके, यूट्यूब चैनल से हटके हमारे और दुकान के जो ग्राहक हैं, जो हमारी शॉप के कस्टमर हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए चीज नहीं बचती, सेल हो जाती है। और उसके बाद लोग कहते हैं कि यार जो जो हैदराबाद कराची वाले हैं, जो लाहौर वाले हैं, बड़ी शॉपों वाले हैं, वो भाई जन हमें क्वांटिटी में माल देते हैं। तो भाई यूज वाला जो मसला होता है ये हमारे पास एक पीस है आज की डेट में, या आधा घंटे बाद ना हो शायद, या कल शायद दो हो जाए, ठीक है। जो उनके पास होता है वो नॉन पीटीए सामान होता है, हमारे पास नॉन पीटीए वाला चक्कर नहीं है, सबके साथ डब्बे मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे, हमारे पास मौजूद है जी इन्फिनिक्स का Note 11 Pro है, 8/128 वाला हीलियो जी 95 इसका प्रोसेसर है, और ये मैं दोस्तों को दे दूंगा सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये का। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो अगर आप किसी शॉप से ऑफलाइन पता करेंगे तो वो आपको तकरीबन 33,000-32,500 तक बताएगा, इससे कम नहीं मिल सकता आपको ये। और लास्ट में हमारे पास मौजूद है बिल्कुल कम प्राइस में भाई, ये मैं दे दूंगा 13,500 रुपये का आईटेल का 3/32 में डब्बा चार्जर साथ, शायद हैंड फ्री भी डब्बे के अंदर हो। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करते हैं कि जो आज की वीडियो दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आप तक जल्दी से और आसानी से पहुंच सके। इसी के साथ अपने भाई को अपने दोस्त को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।